ये है दिल्ली दर्पण। उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ कि उनको सुसाइड करना पड़ा। जो उनके कातिल हैं उनको जल्द से जल्द जेल भिजवाया जाए। हमें प्रोटेक्शन कौन देगा? पुलिस हमारे साथ नहीं है, प्रशासन हमारे साथ नहीं है। राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले की गूंज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है। देश के कई राज्यों के डॉक्टर्स आज सड़कों पर हैं। देश की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर्स भी आज सड़कों पर उतरे हैं। सदर अस्पताल के सामने सभी, चाहे वो निजी अस्पताल के डॉक्टर्स हो चाहे सरकारी डॉक्टर्स हो, आज वो इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं कि जो भी अंकिता शर्मा के साथ हुआ उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं और ये पोस्टर भी ले रहे हैं। अब क्या मांग लेकर आज सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए, आजकल जो डॉक्टर्स पे ऐसे इंसिडेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स के साथ मारपीट और अलग तरह का बुरा व्यवहार हो रहा है। डॉक्टर्स तो अपनी तरफ से हर पेशेंट के लिए अच्छा इलाज ही चाहते हैं, लेकिन कई बार मेडिकल कंडीशन ऐसी रहती हैं जिसमें डॉक्टर्स का पूरा कंट्रोल नहीं रहता है। तो हम ये चाहते हैं, हम जनता की तरफ की तो उनको जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसी बहुत सी कंडीशंस रहती हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, प्लस हमारे पे अत्याचार ना किया जाए, जैसे पॉलिटिकली प्रेशर और गुंडों का प्रेशर ना बनाया जाए, जैसे कि डॉक्टर अर्चना शर्मा मैडम के साथ हुआ। ये बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट थी, शी वॉज ट्रीटिंग हर पेशेंट्स वेरी वेल, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं मेडिकल कंडीशंस में जिनकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, पर इनके पॉलिटिकली और पुलिस के द्वारा दबाव बनाया गया जिसके कारण इन्हें काफ़ी टॉर्चर किया गया और इन्हें अरेस्ट भी किया गया। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 302 धारा हम डॉक्टर्स पे ऐसे नहीं लगा सकते, लेकिन इन पे लगाई गई और जिसके कारण इनका हरासमेंट की वजह से, इनको डिप्रेशन की वजह से इन्हें सुसाइड करना पड़ा, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। प्रोटेस्ट में तमाम डॉक्टर्स यहाँ पहुँचे और भी डॉक्टर्स से हमने बात की है और उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है प्रोटेस्ट में। डॉक्टर अर्चना शर्मा हमारे जो एक राजस्थान में काम करते थे उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ कि उनको सुसाइड करना पड़ा। जो उनके कातिल हैं उनको जल्द से जल्द जेल भिजवाया जाए। जिस पुलिस वाले ने FIR लॉन्च करी उस पुलिस वाले को टर्मिनेट किया जाए और उसके अगेंस्ट एक्शन हो। ये मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये रोजमर्रा के इंसिडेंट्स हो रहे हैं दिल्ली में। रोज हमारे यहाँ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, हमें मारा पीटा जाता है और हम फिर भी अपना काम करते रहते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे, मगर हमें प्रोटेक्शन कौन देगा? पुलिस हमारे साथ नहीं है, प्रशासन हमारे साथ नहीं है, पब्लिक भी हमारे साथ नहीं है। इस बात को एक सेंसिटिव इशू करके दबा दिया जाता है कि पब्लिक को थोड़ा सा इसलिए गुस्सा आ गया होगा, सेंसिटिव इशू है। ऐसे नहीं चलेगा, हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, हमें पुलिस से प्रशासन से प्रोटेक्शन चाहिए, हमें भी सहानुभूति चाहिए। जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है अगर सख्त एक्शन लिया जाए और उसी टाइम कार्रवाई की जाए तो आगे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। जो हमारे साथ हुआ है पिछले 3 दिन पहले, एक जयपुर में के नज़दीक राजस्थान में एक दौसा जगह है जहां एक ऑर्डिनरी एक डिलीवरी होती है और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और उसके बाद मरीज़ की डेथ हो जाती है। मरीज 3 बार, उसके 3 बच्चे पहले से उसके पास थे, ये चौथा बच्चा था और इस डॉक्टर ने उसी का पहले सिजेरियन किया हुआ था। आप सोच के देखिए, एक ऑर्डिनरी सा केस हुआ जो PPH बोलते हैं, जिसमें कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है डिलीवरी के बाद, ये एक जानी मानी कॉम्प्लिकेशन है और हम सब तैयार होते हैं। होता क्या है, उसके एकदम बाद मरीज़ के घर वाले अच्छी कोशिश के बाद डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं, हमें घर छोड़ाओ, यहाँ कहानी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ आगे कुछ खलनायक आ गए। खलनायक नंबर 1 जो कि वहाँ का एक BJP MLA था, शिव शंकर समथिंग, वो जाता है मरीज के घर, वहाँ से लाश उठवाता है और आनंद अस्पताल जहाँ ये डॉक्टर काम करती थी वहाँ लाके घर के सामने लाश डाल दी और साथ में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि आप हमें ये नहीं देंगे तो ये कर देंगे, ये नहीं कर देंगे। और उसके ऊपर जान के देखिए, वहाँ का जो लोकल DCP था उसने बचाई मरीज डॉक्टर, हमारी डॉक्टर बहन पे, अर्चना शर्मा जी पे धारा 302 लगाई है। ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। आप किसी डॉक्टर पे 302 नहीं लगा सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर 304A लगा सकते हैं।
उस हमारी डॉक्टर बहन की पीड़ा सुनिएगा। वो अपने 4-6 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई एक नोट लिख के। क्या लिख के? कि मुझे माफ करिएगा, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ आज के बाद डॉक्टर्स पे अत्याचार ना होए। जैसे हम इलाज करते हुए कभी ये नहीं सोचते कि ये कांग्रेस है, आम आदमी है या बीजेपी है, ऐसे ही सभी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त हमारा साथ दें और कोई भी पॉलिटिशियन इन मुद्दों में ना पड़े, वो समझे चीज़ों की महत्व, सीरियसनेस को समझे, तभी किसी का पक्ष ले। ये नहीं कि जनता को बेमतलब बहका फुसला के अपनी टिकटों का इंतजाम करता फिरे। आज बीजेपी का विकल्प नहीं है, लेकिन हम बीजेपी को कहते हैं कि आप एक अच्छी पार्टी हैं, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से निकाल कर एक अच्छे नेता का सबूत दें और डॉक्टरों को न्याय दिलाएं। डॉक्टर्स कभी भी पेशेंट को मारना नहीं चाहता, वो अपनी जान देकर भी पेशेंट को बचाना चाहता है। यदि ये पीपीएच एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है जो पुलिस या कोई नेता नहीं समझ सकता, इस समय क्या होता है? जिसने एमबीबीएस एमडी किया होगा वही समझ पाएगा कि एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है। उसके बेसिस पर आप कैसे पेशेंट डॉक्टर के अगेंस्ट एक एफआईआर लगा देते हैं बिना क्राइम्स साबित हुए हुए? बिल्कुल गलत है, जस्टिस चाहिए। और जो भी इसमें कल्प्रिट है, चाहे वो नेता है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वहाँ की पब्लिक है, उन्हें अंदर किया जाए, उन पर भी वही धारा लगे जो डॉक्टर पे लगाई। जबकि डॉक्टर पे धारा लगाना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तुम नहीं लगा सकते। हमारी मांग है कि जो अत्याचार हम लोगों पर हो रहा है उसको बंद किया जाए, सेंट्रल एक्ट लाया जाए, और जिस डॉक्टर ने पॉलिटिशियंस और पुलिस के दबाव में आत्महत्या की, ये आत्महत्या नहीं हत्या थी, जो पुलिस और पॉलिटिशियंस ने मिलके की है, इसके लिए जिन जो जो लोग दोषी हैं वो पुलिस के हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको अरेस्ट किया जाए और उन पे 302 लगाकर मुकदमा चलाया जाए। देखिए, ये आज का कोई नया अत्याचार नहीं है, ये बहुत पुराने से होता चला रहा है। लोग डॉक्टर्स को क्या समझते हैं? डॉक्टर भगवान है क्या? अगर डॉक्टर सबको बचाने लगे तो भगवान की क्या ज़रूरत है? एक नॉन कॉम्प्लिकेशन हुई है डॉक्टर अर्चना शर्मा के हॉस्पिटल में, आनंद हॉस्पिटल में, जिसके लिए उनको इतनी बड़ी सजा सुना दी गई। 302 धारा का क्या मतलब होता है? क्या डॉक्टर ने जानबूझ के उस पेशेंट की हत्या की है? क्या डॉक्टर को लगता है आप हत्या कर सकते हैं? 302 का मतलब क्या होता है? हमारी मांग यही है कि जिन भी लोगों ने उस डॉक्टर अर्चना शर्मा को जान देने के लिए मजबूर किया है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए और उनको उचित से उचित सजा दी जाए और हम डॉक्टर्स के लिए उचित कानून बनाए जाए और हमारी रक्षा की जाए। सेंट्रल कानून बने, रोज रोज ये घटनाएं होती हैं। ये अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सरकार को फौरन ध्यान देना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको अपने एक्ट में परिवर्तन करना होगा। डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सभी डॉक्टर्स नॉर्थ के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। राजस्थान में डॉक्टर अर्चना शर्मा, जो दोषा की गायनेकोलॉजिस्ट थी, उनके ऊपर 302 का मुकदमा जो राजस्थान पुलिस ने वहाँ दर्ज किया, एसपी और एसएचओ इसके गुनाहगार हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको नेताओं ने भी इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें अल्टीमेटली अपनी आत्महत्या की। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और ये हत्या की गई है उन नेताओं द्वारा और उन पुलिस के ऑफिसर्स द्वारा जिन्होंने दबाव डालकर 302 का मुकदमा डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ दर्ज करवाया। 302 का मुकदमा किसी भी डॉक्टर के खिलाफ दर्ज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटजू का ये 2002 का एक डिसीजन है, जिसमें किसी भी डॉक्टर के खिलाफ जब भी कभी कोई शिकायत होती है तो उसके लिए या तो मेडिकल बोर्ड या उस स्टेट की मेडिकल काउंसिल इंक्वायरी करती है। हम लोग एक डॉक्टर्स हैं, हमने कोरोना के टाइम पे इतना काम किया है, हम कोरोना वॉरियर्स हैं, हमने इतने लोगों की जान बचाई है अपनी जान को हथेली में रख के। हमें रोज एक रिस्क होता था, फिर भी हमने कोरोना के टाइम पे फुल काम किया है और आज हमारे ही एक डॉक्टर को मरने के लिए मजबूर कर दिया। इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनका दोस्त क्या था? वो पेशेंट को 4 जगहों से रेफर करके जयपुर भेजा गया,
उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उनके हॉस्पिटल में आई, जो नोन कॉम्प्लिकेशंस के कारण, जो कॉम्प्लिकेशंस पता है लोगों को, जो वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके कारण उनकी डेथ हुई, वहाँ के लोकल गुंडों ने उनको इतना मानसिक प्रताड़ित किया, वहाँ के पुलिस ने उनको इतना मानसिक प्रताड़ित किया कि वो अपनी दुनिया छोड़ करके चली गई। आज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली में 5 जगह धरना प्रदर्शन और श्रद्धांजलि, जो दिव्यंगत अर्चना शर्मा जी की जो हत्या हुई है, मैं कहूँगा दोसा में, उसके विरोध में ये सब कुछ हो रहा है। और हमारी ये डिमांड है कि जो भी इसके अपराधी हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो अरेस्ट होने चाहिए। जिन पुलिस ऑफिसर्स ने उन पर वो धाराएं लगाई 302, जो लगनी नहीं चाहिए थी, जो लोकल नेता और पत्रकार जिन्होंने इतना प्रेशर डाला उस डॉक्टर के ऊपर, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया, उनके ऊपर 302 लगनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। और जो सेंट्रल एक एक्ट आना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी वायलेंस या कोई हिंसा डॉक्टर के खिलाफ होती है तो उसके लिए एक सेंट्रल स्ट्रिंजेंट एक्ट होना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। अब डॉक्टर्स जो दिल्ली के हैं वो कुछ इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर पर पट्टी बंधी है और खून के निशान हैं, और ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम पर कोरोना योद्धा बन के सेवा की थी, और आज एक डॉक्टर को कई गुनाही का सबूत देने के लिए सुसाइड करनी पड़ती है। अब ये कब तक इस तरीके से रहेगा? आज तमाम डॉक्टर, देश भर के डॉक्टर्स नाराज हैं और गुस्सा हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बड़ा एक्शन राज्य सरकार ले और कड़ी से कड़ी जो सजा है वो आरोपियों को दी जाए। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।